मैं हरिंदर शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के गांव जमालपुर से हूं। मैंने समस्त उत्तर प्रदेश में नई नहर परियोजना और पुरानी नहर परियोजनाओं में किसान कल्याण हेतु सुधार की मांग को लेकर 28 मार्च 22 प्रधानमंत्री मोदी जी और 29 मार्च को जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री योगी जी को मांग पत्र देते हुए सबसे पहले मैंने प्रदेश में वर्ष 2021 के अंत तक नई नहर परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करने पर प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए मांग की है। प्रदेश में पूरी हो चुकी नई नहर परियोजना से संबंधित सभी किसानों को नहर पटरी पर सिंचाई के लिए 4 या 6 इंची पाइप का कुलावा लगाने की अनुमति दी जाए और नहर विभाग की ओर से संबंधित सभी किसानों को वारबंदी का भी प्रमाण पत्र दिया जाए। दूसरा, प्रदेश में पुरानी नहर परियोजना द्वारा सिंचित खेतीबाड़ी वाले सभी किसानों द्वारा खेत के सामने लगाए गए कुलावों को, जिन्हें नहर विभाग अवैध करार देता है, इन सभी कुलावों को प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से वैध घोषित करने की अनुकंपा करे, क्योंकि जब अंग्रेजी शासन काल में पुरानी नहर परियोजनाओं का निर्माण हुआ था उस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का दायरा बिल्कुल कम था, लेकिन आज वर्तमान में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से अत्याधुनिक कृषि उपकरणों, रासायनिक खाद और दवाओं के बन जाने से अधिकांश बंजर भूमि भी अब कृषि योग्य भूमि बनकर किसानों द्वारा खेतीबाड़ी की जा रही है, जिससे सिंचित भूमि का दायरा पहले की अपेक्षा अब अत्यधिक मात्रा में की एवज में और अवैध सिंचाई मुकदमे के मानसिक आर्थिक उत्पीड़न से बचाव के लिए हर छमाही किसान संबंधित कर्मचारी को खेत के हिसाब से रुपए देने पर मजबूर है। इस कारण किसानों को सिंचाई माफी का लाभ नहीं मिल रहा। सम्मानित साथियों, नहर परियोजना से संबंधित समस्या के निवारण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से यथोचित कार्रवाई हेतु 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान यूपी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। योगी एंड कंपनी सरकार समस्या के निवारण पर गूंगी बहरी अंधी हुई बैठी है। 2022 के चुनावी सभाओं में मोदी जी और योगी जी ने जनता के हित के लिए काम करने की गारंटी दी थी। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके काम करने की गारंटी यही है कि प्रदेश का एक गरीब किसान आदमी जमीनी स्तर की समस्या के निवारण के लिए आपको अवगत कराता है और समस्या के निवारण पर आपकी सरकार कानों में रुई डालकर आंखें मूंद कर बैठ जाती है? ये कैसा सुशासन है? ये कैसा रामराज है? मोदी जी, योगी जी, जरा समझाने की कृपा करें, बताने की कृपा करें। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके द्वारा नवंबर 2021 में पूरी हुई अर्जुन सहायक परियोजना से 1.5 लाख किसानों को और दिसंबर 2021 में पूरी हुई सरयू नहर परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, ये घोषणा की गई थी, तो पूरी हुई नई नहर परियोजना से संबंधित किसानों को जब नहर की दाई और बाई पटरी पर 4 या 6 इंची पाइप का कुलावा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो खेतों की सिंचाई कैसे होगी? किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा? मोदी एंड योगी डबल इंजन सरकार को इतना ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी से करबद्ध प्रार्थना है, प्रदेश में पूरी हुई नई नहर परियोजना से संबंधित सभी किसानों को सिंचाई के लिए नहर पटरी पर 4 या 6 इंची पाइप का कुलावा लगाने की अनुमति देने, विभाग की ओर से वारबंदी का भी प्रमाण पत्र देने और पुरानी नहर परियोजना से भी संबंधित सभी किसानों के कुलावों को वैध घोषित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी करें, जिससे प्रदेश के सभी किसानों को सिंचाई माफी का लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं अपने जनपद गौतम बुद्ध नगर और प्रदेश के सभी समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों से भी अपील करता हूं, समस्त उत्तर प्रदेश के किसान कल्याण एवं आर्थिक सुधार हेतु मांग पर कार्रवाई करवाने के लिए आगे आए, साथ दें। धन्यवाद।